आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ईद मुबारक। ओके, तो सुबह सुबह मैं उठी हूँ, एक्चुअली मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, सुबह ही वॉमिटिंग हो गई और उनको लूज मोशन स्टार्ट हो गया, पेट में बहुत दर्द है। उनको मैंने जस्ट अभी हींग और पानी दिया है, गर्म पानी, पर आज फास्ट नहीं है तो सुबह से पानी, मतलब एग्जाम तो ओवर हो गए इसलिए पता ही नहीं चलता, और एक महीना इतना लंबा फास्ट होता है ना, तो आदत से बन जाती है। तो रुखसार अलीजा को संभाल रही है, अलीजा भी सुबह सुबह रो रही है, तो मेरी नींद टूट गई थी मम्मी की तबीयत खराब की वजह से, इसलिए मैं जल्दी उठ गई। पापा नहा चुके हैं, ईद की नमाज के लिए निकलेंगे, उठते ही मैंने यहाँ पे बना ली है ये सेवई, और यहाँ पे बना ली है मैंने पापा के लिए चाय भी, क्योंकि पापा फातिहा करेंगे इसलिए मेरे को जल्दी बनानी थी। ये नॉर्मल सवई है जस्ट, ताकि पापा फातिहा कर लें और फिर आके नमाज के लिए चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। जो ये अली अली ईद मुबारक, बुआ को देखो, बुआ को देखो, ईद मुबारक, लड़के ईद मुबारक, भाई ईद मुबारक। मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी पता, उनको वॉमिटिंग लूज मोशन हो रहे हैं सुबह से ही, लेटी हुई है, हींग का पानी दिया हुआ है मैंने। समय यहाँ बन चुकी है, फातिहा के लिए सब सामान रख दिया है, चाय भी चढ़ चुकी है, अब बोला क्या नंद मिली है, वाह। ये रात में लगाई मैंने, देखो ये अच्छी लगाई ना उससे, यार ये डिजाइन बनाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं क्यों ही बनाया मैंने ये, देखो ये कितना प्यारा डिजाइन है, एंड ये देखो उस भैया ने अपने दिमाग से लगाया था, क्या डिजाइन है, सही बात। आई बस मुझे तुम्हारी ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मम्मी और मम्मी की हो गई है तबीयत खराब, मम्मी ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है कुर्ता। ये देखना अमायरू, अमायरू तो बस ये है कि मैं जितनी जल्दी अपनी सैंडल अपने कपड़े बना सकती हूं, सब यहां मैं बनाने की कोशिश में लगी हुई हूं, सारे मखाने डलते हैं, मैंने मसाले मखाने पीसने की कोशिश की थी बट ये बिल्कुल ही बुरादा हो गए, और ये फ्लेवरफुल नहीं होता फिर, मतलब मुंह में ना थोड़े से मखाने आने चाहिए, इसलिए इतना दरदरा होना चाहिए जैसे ये, तो इसलिए मैंने इसे कढ़ाई में ठंडा करके ऐसे कूट लिया इससे, और ये वाला हम थोड़ा सा डाल देंगे ताकि थिक हो जाए। मम्मी वाली सवई मैंने कभी ज़िंदगी में शायद खुद से नहीं बनाई, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, और साग बना रही है वेज पुलाव, आज नॉन वेज नहीं बनता घर में, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, वेज पुलाव और क्या, दही बल्ले, दही बल्ले थोड़ा सा जर्दा, जर्दा भी बनाओगी? नहीं जर्दा खा लूँगा, हो जाएगा टू मच, वो पुलाव के लिए यूज़ करो ना, चावल पुलाव के लिए नहीं होता, एक नंबर बनेगा इसलिए। कल साग की छुट्टी नहीं है, ईद की एक दिन की छुट्टी मिली है, वो तो घर में किचन में निकल जाना है, और कल घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं डिनर के लिए। वालेकुम अस्सलाम अमायरा, बहुत प्यारी लग रही हो। A few moments later. ये है मेरा ईद का सूट, अच्छा है ना, और इसका कलर कितना सुंदर है, इसका दुपट्टा है, तो मैंने सोचा कि अब हम तैयार होते हैं, गेट रेडी विद मी, एक ट्रांजिशन करना है मुझे, नहीं नहीं करेंगे, रुखसार के भी, रुखसार अपना कुर्ता दे दो, कर दूं प्रेस, पोती आ गया यार, मम्मी तो मैं सब पोती कराती हूं बेटा, कपड़े नहीं छेड़ो, आपने पहले माई शू सिंपल सी ड्रेस ली थी, बहुत प्यारी प्यारी, हां छोटी सी क्यूट सी, कलर लगा था नहीं बेटा, मुझे भी कलर नहीं लगा, सूट मैं अभी पहना है, इसका मैं लिंक भी दे सकती हूं, क्योंकि ये मुझे फहीम ने अलीजा के होने पे एज अ टोकन ऑफ लव गिफ्ट में दिया था ये सूट, मैंने कहा इससे बेहतर क्या है, नया सूट है कोरा का, और जो अभी अभी तेरे को दिलाया था मैंने वहां ओवर स्टॉक से, वो कहां है, वो रखा है यार, वो बड़ा अच्छा है, वो भी ईद का सूट मुझे फहीम ने दिलाया, रेड कलर का, इतना गजब का सूट है ना भाई, देखा है लोगों ने, अभी नहीं पहनूंगी मैं इसको, आज ये पहनूंगी, शायद कल पहनूंगी, देखो देखो क्या कर रही है, दे दो प्लीज, ईद मुबारक, ईद मुबारक, और आगे लोगी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अभी लोगी, ईद लोगी, थैंक यू, खुश रहो बच्चा, खुश रहो जिंदगी में, खुश रहो, आबाद रहो, खूब कमाओ, खूब फूलो फलो, आमीन, हमें हिंदी देते रहो, गाइस मैं बीमार हो गई तो रो रही हूँ, नहीं आज तुमने काम नहीं किया इसलिए रो रही है, सारा काम उस पे आ गया बेचारे। A few moments later. मम्मी को ईदी मिल चुकी है पापा की तरफ से, ये छोटा भी लग रहा है तुझे, तो बेबी को दे दो, ये सैम भाई भाभी आ गए हैं,
ईद मुबारक जी मायशा के लिए। मायशा देखो आपके लिए कुछ आया है, टॉयज आए। वाओ ओपन करें, ओपन करें गाइस। रवानी दीदी को दे दो, बहन को दे दो। हां बहुत सही है, ओपन करो यार। मिस्टर साहब देखो कलर इज बुक अली हां बैठो गिफ्ट बेटी का। मुझे कुछ भी करने नहीं दे रही थी और मयंक भी आ चुके हैं, बालों को स्ट्रेट करके थोड़ा कर्ल कर रही थी बट नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। हैप्पी ईद, ईद मुबारक। पापा मिल गए, शुक्र है, जाओ। अरे सैम भाई का हाल है? बढ़िया सर, नमस्कार जी। हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। मशी पापा को नहीं खाना यार, अभी नहीं खाना, आप खा लो, पापा नहीं खाएंगे, पापा को खाएंगे तो पापा को मत दो, पापा को नहीं खाना, आप जाओ। पहली बार जिंदगी में मैंने सेवई शाय के घर की बनी हुई खाई थी, तब से ही मैंने ये खानी स्टार्ट की। उससे पहले मैंने पहली बार जिंदगी में सेवई मैंने शाय की घर की खाई थी, मतलब तुम्हारे घर की, उसके बाद ही मैंने खानी स्टार्ट की थी। पहली बार आप शाय के हाथ की खा रहे हो? पहली बार आपने कभी नहीं बनाई? पहले कभी नहीं बनाई मीठी वाली, हमें अच्छी लगी है, अच्छी लगी है ना। इनाम इनाम ईदी, अरे ईदी मांगो, बड़े उम्र में मांगो ना, सेवा अच्छी बनी है। हाय अब उसे नहीं चलाऊंगा मैं, बना कर दो। खुश हो, खुश हो। 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो कैसा हो गया था जैसे जैसे दूध पी लो। देखो कौन आया, देखो मामू आए, बुआ आई, दा ईद मुबारक भाई। ये है दा, नानी है, नानी है, ये मेरी नानी है। भाई शु, ये आपकी नानी है, ये मेरी नानी है। हां बेटी है, कैसी नानी है? भाई ईद मुबारक। चिकनकारी कुर्ता इज ऑल ओवर द फीवर, हर कोई पहनता है चिकनकारी कुर्ता। अम्मू वापस आ गई है मम्मा के घर से। मायशुल बोल रही थी मुझे, अम्मू जी ये क्या कर रही हो, ये क्या है बेटा? ये भी दे रही है। ओह माय गॉड सो स्वीट। मायशा आपको क्या मिला? इधर देखो मेरी तरफ दिखाओ, कितना मिला? 100। आपको ईदी मिली? आपने हग ही नहीं की अम्मू को। मायशु हग ही करो बेटा, बहन को थैंक यू बोलो। ओके मायशु निक्कर में है। इधर देखो मम्मा की तरफ, मायशु मम्मा की तरफ स्माइल। लव यू कौन बोलेगा? फ्लाइंग किसी कौन करेगा? लाओ अब मम्मा को दो, रख दे मम्मा, आपकी फट जाएगी। ओके अम्मू लो बेटा वापस लो। वी ऑल आर सो टायर्ड, 10 बज चुके हैं भाई साहब, हिम्मत नहीं है। मैंने तो कपड़े तभी बदल लिए थे, पिंपल बिग चंकी पिंपल। कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। अभी थोड़ा सा ब्लॉग पेंडिंग है इसलिए मैं कल सुबह के लिए करूँ। The next day. Alright, so we are ready to go भाभी के घर, बुआ के घर, ईद बासी ईद पे। और अमायरा ने मेरा फोन गिरा दिया था। हंस रही हो तुम मेरा फोन गिरा के? इसको सही करो, गंदी बच्ची। अब मम्मी ने बहुत प्यारा एक सूट पहना हुआ है, कश्मीरी सूट ने पहना हुआ है। ये मेरा प्यारा सा सूट जो मैंने एक दिन दिखाया था आपको मिंत्रा का, बहुत ही प्यारा सूट था ये, इट्स ब्यूटीफुल। बट ये मुझे लूज है, मम्मी को पसंद है, मम्मी को देंगी मैं ये सूट। और हम निकल रहे हैं भाभी के घर। पहले आए हैं हम बुआ के घर, सार की मम्मी यानी मेरी बुआ के घर आए हैं सबसे पहले। और मायशु ने यहाँ पे आके सबका वो कर दिया है, ये देखो, ये देखो। और माम बुआ ने हमें दिए हैं बहुत टेस्टी छोले और सेवई जो हमने फिनिश कर दिया है। तो अब हम पहुँच गए हैं भाभी के पास, मायशु ने खाना है। चुपा चुप मामा को भी खिलाओ, कम यार। अम्मू कितनी प्यारी बेटी, अम्मू मुझे देती है। आए पर आए तो सही, नहीं देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पे 4 गेस्ट हैं और आप 2 ग्लास पानी ला रही हो? हाउस
ये दो छोटे हमसे बड़े गेस्ट है, ये दो हाफ गेस्ट हैं, दो फुल गेस्ट हैं। आपसे ज्यादा भारी पड़ जाएगी ये, गलत फहमी में ले रही हूँ, हल्के में ले रही हूँ मेरी बेटी को। हमारे लिए यहाँ पे दही बड़े, मुझे खट्टी दही, मुझे दही वाली चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, उतना ही मेरी पति को दही वाली चीजें अच्छी नहीं लगती। मायशो क्या खा रहे हो नाचूस? वहाँ गुड्डू उठ गया। तो अम्मू कल मैंने आपको ईदी दे दी थी है ना, तो ये है हमारे बेबू की और मीनू की। मीनू है नहीं यहाँ पे, ये लो भाई तुम जिम्मेदार हो अपने बच्चों की ईदी की। इतना प्यारा सूट दिया है, मुझे बहुत ही पसंद आया। अभी तो हमजा के पास जो है सेम कलर था नहीं, तो डिफरेंट कलर है और हमजा पे बहुत सुंदर लगेगा। लो पहन लो, ये मैंगो है, टैंगो है, टैंगो। ये भी मेरी छोटी सी ईदी है सारे बच्चों के लिए। आ गए हम ऊपर वाले बच्चों के पास। ये तुम्हारे मैंने चुपा चुप वगैरह नहीं दिया बच्चों का? क्या सीधा ईदी आते, ईदी दे रही हो क्या आते? सीधा ईदी दे रही है बिना खाए पिए। देखो एकदम देखो कैसे नई दुल्हन की तरह कपड़े वपड़े पहन के खड़ी है भाई। भाई हमारे यहाँ बहुत अच्छी वेज बिरयानी मिलती है, मतलब भाभी क्या ईदी 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 अनदर ईदी हमको दे रही है। थैंक यू भाभी। ये मीनू, अरे हमारा अंजा का, ये उनकी मम्मी का हमारा। ओ भाई छोटी हो यार। A few hours later. Okay, तो finally मैं आ चुकी हूँ पिज़्ज़ा के घर। पिज़्ज़ा, हाय जस्मी, तुम घर पे हो? एक कटोरी मेरा तो हो गई, मेरे दो चम्मच भी नहीं। तू मेरे लिए भी नहीं लाई है, मैंने तेरे लिए तो मैं खाऊं रे अंडे हट भाई। ते एक तेरा, एक उसका, एक जसमीत का। इफ्रा जब आएगी तो उसका लेकर आऊंगी। वेरी गुड है। वो जो गाड़ी जा रही है वो सामने से आ रही थी, मायशा ने बोला मम्मा हटो हटो। मायशा तो कितनी गुड गर्ल है। आ जाओ, कम हियर, कम हियर। आप कोई गाड़ी नहीं आ रही, आओ हाथ पकड़ो, हम घर चले वापस। आ जाओ। तो सीधा मैं घर आई हूँ, आते ही मैंने चेंज किया, मूड होया है। और ये देखो अम्मू, अम्मू लड़ रही है नानी से, दादी से, कि मेरा आपने छोटी ऐसी की बनाई। श्री असर की फैमिली जिनके घर हम इफ्तार पे गए थे, हाँ आज हमने ईद के दूसरे दिन उनको डिनर पे बुलाया माइन के साथ, तो माइन का डिनर भी कर ली था। असर को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, भाई जैसा है वो मेरा, इसलिए मम्मी आ गई। पापा आ गए, अस्सलाम वालेकुम। ये तो खोलो, पापा आ गए। तो पापा कोई और भी होता है जिससे मिला जाता है, किसी और से भी मिला जाता है। तुम खाना बना रहे थे, मैंने तुम्हें परेशान किया। नहीं मैं नहीं मिलना चाहती। पानी क्या बनाया? सी हमारा वेज पुलाव, जो बिरयानी बोलेंगे हम, वेज बिरयानी जो कि रुखसार ने ऑलरेडी ईद पर बनाई थी, कल बनाई थी और खाया था हमने फर्स्ट टाइम। रुखसार ने फर्स्ट टाइम ये वाली बिरयानी बनाई, हमें सबको फैमिली सबको बहुत पसंद आई। कल आजा मैं आपके पीछे हूं। अच्छा मैं सोच रहा हूँ मेरा व्लॉग हो रहा है। चलो जी तैयारी हो गई है और रोटी बाहर से आ गई थी, बाकी रुखसार ने आज स्पेशल कोरमा बनाया है। लेकिन ये वाला डालो, ये वाला आपने पहले एकदम डाल दिया था झटपट से, और नींबू ने छोड़ देना। चलो जी चलो, आपको खुल जाना है ठीक है, अम्मू के खुल जाना है। ऑलराइट ये देखिए मेरे कपड़े, दिखाइए बोलिए। मैं पर्पल ये पहनूंगी और ये पहनूंगी और ये पहनूंगी और चुटकी बजा दो। आई नो मेरी बात है, आई कैन अंडरस्टैंड। ऑलराइट सोया दा, आप भी बोलोगी कुछ? मैं ये पहनूंगी, मैं ये पहनूंगी। ऑलराइट गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट दिस 2024 ईद व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।